हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों को लेकर क्या अपडेट है, इसके बारे में जानेंगे। पहले अनुदेशक भर्ती 2015-16 को लेकर बात कर लेते हैं। अनुदेशक भर्ती 2015-16 को लेकर बार बार अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि ये भर्ती कब पूरी होगी। काफ़ी अभ्यर्थी बार बार कह रहे हैं कि आप इस भर्ती की जानकारी नहीं देती हैं, तो इसको लेकर सही जानकारी नहीं मिल रही थी, इसलिए अपडेट नहीं दे पा रही थी। लेकिन आप सब परेशान ना हो, इस भर्ती पर काम हो रहा है। उम्मीद है कि इसी साल ये भर्ती पूरी करा दी जाए। एक दो महीने में नोटिस देखने को मिल सकती है। जूनियर असिस्टेंट 2019 का रिजल्ट आज जारी हो सकता है, लेकिन किसी कारणवश आज जारी नहीं हो पाता है तो अगले सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। वन दरोगा की कट ऑफ को लेकर बात कर लेते हैं। वन दरोगा की कट ऑफ 70 के आसपास रहेगी, क्योंकि इसमें पदों की संख्या कम है, तो इसमें पदों की संख्या 701 है। इस भर्ती के लिए आपको फिजिकल भी देना होगा। जूनियर असिस्टेंट 2022 के विज्ञापन पर काम चल रहा है, थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है। काम पूरा होने के बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अक्टूबर के महीने में नोटिस देखने को मिल सकती है। पदों की संख्या लगभग 4000 रहेगी, इसकी कट ऑफ 60 के आसपास रहेगी। और भी कोई अपडेट मुझे मिलती है तो जल्द आपको सूचित किया जाएगा। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर काफ़ी अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि इसकी ज्वाइनिंग कब होगी। ईडब्ल्यूएस को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है, अभी केस फाइनल नहीं हुआ है। अक्टूबर के महीने में इसकी सुनवाई होनी है। अभ्यर्थी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द केस फाइनल हो जाए, लेकिन अभी टाइम लग जाएगा। अक्टूबर के महीने में ज्वाइनिंग के कोई चांस नहीं है। जूनियर असिस्टेंट 2019 को लेकर एक अच्छी खबर यह है कि ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों की कट ऑफ कम जाएगी। आपका ईडब्ल्यूएस सही है, उसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यदि आपका ईडब्ल्यूएस फर्जी है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। यूडीए एलडीए का अंतिम परिणाम दिसंबर के महीने में जारी कर दिया जाएगा। और भी कोई अपडेट मुझे मिलती है तो जल्द आपको सूचित किया जाएगा। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।